कैसे आप लोग देखें श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का आपको सेकंड ओडीआई वापस से अच्छा मिलेगा, मैंने पहले भी बोल दिया है। ये काफ़ी बेहतरीन आप बोल सकते हो टूर्नामेंट होने वाला था। पहला ओडीआई आपने देखा, जबरदस्त मैच हुआ, ठीक है, श्रीलंका ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पिच वही होती है श्रीलंका की, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट बार भी बोला है, 275 से 325 के बीच की पिच होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं स्कोरिंग भी होता है, क्योंकि जिम्बाब्वे में हमने देखा वैसी ही पिच बनाते हैं, ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग होती है पिच और बैट्समैन बॉलर दोनों को मदद मिलती है। तो कल भी आपको यही देखने मिलेगा, अब इनकी टीम का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैंने पहले बोला एक से बढ़कर एक प्लेयर है, ठीक है, एरन फिंच हैं आपके, वो तो अच्छा हुआ कि डेविड वॉर्नर पहले चले गए, बाकी स्टीवन स्मिथ, मार्नस, लेमुशियाग ने एक से बढ़कर एक प्लेयर, ट्रेविस हेड नहीं खेल रहे, आप सोच रहे इतने बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे, मिचेल मार्स नहीं खेल रहे, तो इनकी टीम वापस से कल से तगड़ा प्रदर्शन आपको करते देखने मिलेगी, ठीक है। अब देखिए श्रीलंका में मैं बस इतना जानता हूँ, अगर मैं कोच या कैप्टन रहूँगा अपने कंट्री का, ठीक है, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जब फास्टर बॉलर 8 ओवर में 60 रन दे रहे हैं, दूसरा फास्टर बॉलर भी आपका 5 ओवर में 27 रन दे रहा है, क्या सेंस बनता है? क्यों नहीं एक मैच में 50 का 50 ओवर आप स्पिनर को बॉलिंग दे सकते हो? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? जो आज तक किसी ने नहीं किया वो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं अगर कैप्टन रहूँगा तो पूरा 50 ओवर स्पिन करा दूंगा, ऐसे में भी आपको हारना ही है फास्टर देखे। इन लोगों को एक चीज़ नहीं समझ आती कि भाई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सारी टीमों के लिए जो आपके मेन फास्टर बॉलर है ना, वो उनके लोकल प्लेयर के बराबर है, ठीक है। जितना तेज है मिचेल स्टार्क और आपके जॉस हेजलवुड, जाई रिचर्डसन, ये सब फेंकते हैं ना, ये सब दुश्मन था चमेरा, उसके आसपास भी नहीं है, मतलब उनके लिए बच्चों का खिलाक बंद करके वो बल्ला भांस सकते हैं, ऐसी बॉलिंग पे सीधी सीधी फेंक रहे हैं बिना किसी, आप बोल सकते हो स्पिन के, या मतलब नो स्लोअर बॉल नथिंग। और वो अच्छा बॉलर है आपका, जो एक दूसरा बॉलर है जो ऑलराउंडर है चमिका करुणारत्न, उसने बेहतरीन बॉलिंग की, 4 ओवर में 16 रन, बल्कि मैक्सवेल को ऑलमोस्ट LBW कर दिया, पर उसको बॉलिंग नहीं दे रहे, अपने खुद 4-5 ओवर बॉलिंग करने आ रहे धसुनसाना का। तो फालतू की कप्तानी है, सीधा बोलता हूँ, आप स्पिन को खिलाओ, स्पिन फ्रेंडली थोड़े से विकेट्स रहते ही हैं श्रीलंका के, और एक मैच कर दो 50, ऐसे में भी आप हार ही रहे हो, लास्ट के 15-20-50 ओडीआई से आप कंटिन्यूस हार रहे हो, एक मैच में ऐसा कर दो जो पूरा वर्ल्ड आपको देखे, कह रहे भाई ऐसा भी किया जा सकता है। अगर मैं रहूँगा तो स्पिनिंग कंडीशंस बना करके हो सकता है ऐसा कर दो, स्पिन 20 ओवर के मैच में पूरा 20 ओवर स्पिन करो, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है कि स्पिनर हमेशा मराते हैं? मेरे को तो आप देख लीजिए अफगानिस्तान ने क्या बैंड बजाई आपकी जिम्बाब्वे की। कुछ तो करना पड़ेगा टीमों को जो छोटी ग्रेड की टीम है। और चलिए मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, बस आपको बता देता हूँ, धीनू तुवालिगे इज़ द फ्यूचर, आपका बहुत अच्छे प्लेयर है वानिंदू हसरंगा, अगर चमिका करुणारत्ने को मौका मिलता ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, आप बोल सकते हो अगर कल के मैच में भी मौका मिलता तो शायद ही आउट कर देते मैक्सवेल को, इनको बॉलिंग ही नहीं मिली। बाकी इनके पास काफ़ी सारे प्लेयर हैं, पता नहीं क्यों मेरे को मेरा दिमाग घूम गया कि इनके दिनेश चंडीमाल नहीं खेले, भाई पूरे टीम के सारे प्लेयर को हटा दो, दिनेश चंडीमाल को खिला लो, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है भाई, इज़ द टॉप क्लास क्रिकेटर है, अभी उसका बेहतरीन फॉर्म है, टेस्ट मैच में भी इसी ने जिताया है, सारी बॉल बल्ले के मिडल प्लेयर है, अपनी ज़िंदगी के प्राइम फॉर्म पे है, सेम वैसा ही जैसा आपका दिनेश कार्तिक ने किया था अभी हाल ही में IPL में। ये दोनों ही विकेट कीपर हैं, हालांकि इनकी एज अभी बहुत है, 32 ईयर्स की है, और ये शायद IPL में भी खेले तो बड़ी बात नहीं है। दिनेश चंडीमाल अब जैसे हेनरिक क्लासेन अब जाके फॉर्म में आए, मैंने पहले भी बोल दिया था कुछ दिन पहले भी जब टाइटंस में खेल रहे थे, तो प्लेयर जिस हिसाब से खेलते हैं उस हिसाब से आप टीम में लो, अब इनको लो एज ए फिनिशर, ठीक है। और बहुत सारे प्लेयर हैं, काविंडू कुशल मेंडिस वगैरह ने अच्छा प्रदर्शन किया, धनुष का तिलका ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, ये रनआउट शायद ज़्यादा हो जाते हैं, चलिए छोड़िए, ओवरऑल टीम में कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आप बोल सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगाने की, बस सीधी बात है। और ये हो सकता है वापस से मैच जीत जाए तो आपको कोई हैरानी नहीं होगी, और इनकी टीम की तो बात ही नहीं करनी, टॉप क्लास क्रिकेटर्स हैं सारे के सारे, ठीक है, अभी ये बहुत फॉर्म में है, क्योंकि सारे इनके पास जो नीचे के प्लेयर हैं बहुत सॉलिड, स्टोइनिस, मैक्सवेल, आपके मिचेल मार्स, नीचे में सारे ही बैट्समैन, कैमरून ग्रीन नहीं खेल रहा, आप ट्रेविस हेड नहीं खेल रहा, ये तो कोई भी दूसरी टीम हो तो सारे मैच ऐसे सारे प्लेयर खेले, तो जो कल का मैच भी तगड़ा होगा। और अगर श्रीलंका अच्छा रन बनाती है तो टक्कर दे सकती है, बशर्ते स्पिनर को थोड़ा ज़्यादा मौका दे, प्रवीण जयविक्रमा को भी टीम में ले लीजिए तो आप कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से जो मलिंगा टाइप का जो बॉलर था ना उसको भी खिलाना चाहिए, कहीं ना कहीं अभी से मौका देंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ, कुछ खास नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ कुबेरा का, वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, 5 में से एक प्लेयर सेलेक्ट करना है, सामने वाला एक प्लेयर सेलेक्ट करेगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, लिंक से मेरा वो डाउनलोड कर लेना और मेरे मैनेजर को मैसेज कर देना, ठीक है। सबसे पहला काम एक चैनल में जो मिस्ट्री एनालिसिस करके जो आप ज्वाइन होंगे, जो भी चैनल का नाम है, वहाँ मेरे मैनेजर को पहले मैसेज कर देना, ठीक है। तो सब में मैं चलता हूँ, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी डिटेक्टिव, कौन जीतेगा वो मैंने आपको नहीं बताया, अगर श्रीलंका फिर से प्रदर्शन अगर पहली बैटिंग करेगी तो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने देखा जिम्बाब्वे में अचानक से स्पिनिंग कंडीशंस बना दी थी, अगर स्पिनिंग कंडीशंस बना देंगी तो फिर ऑस्ट्रेलिया की बैंड बच जाएगी, ठीक है। पर मैक्स टू मैक्स श्रीलंका को डिफेंड ही करते आप देखने मिलेगी, श्रीलंका चेज भी कर सकती है बट मुश्किल कर देगी ऑस्ट्रेलिया, देखेंगे, चलिए मैं आपको बताऊंगा ना, अभी के लिए आप टीम विन तो ऑस्ट्रेलिया ही मानिए, बट मैं आपको कुछ भी होगा तो टेलीग्राम पर बता दूंगा, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी डिटेक्टिव, प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल एंड एट योर ओन रिस्क।